संरक्षण माह अभियान में 9 माह से 5 वर्ष के बच्चों ने विटामिन ए आयरन सिरप पिया। स्वास्थ्य संयोजक निवास अधिकारी ने कहा है कि 4 मार्च को राज्य के साथ कोयलीबेड़ा ब्लॉक में भी शिशु संरक्षण माह का शुभारंभ हुआ है। यह अभियान 8 अप्रैल तक चलेगा। शिशु संरक्षण के तहत समस्त टीकाकरण केंद्रों आंगनबाड़ियों में 9 माह से 5 वर्ष के सभी बच्चों को विटामिन ए सिरप पिलाया जाएगा और 6 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों को आयरन सिरप सप्ताह में 2 बार पिलाया जाएगा। विटामिन ए के सेवन करने से आंखों की रोशनी बढ़िया रहती है और ये रतौंधी से भी बचाता है। स्वास्थ्य संयोजक पूर्णिमा राय ने कहा है कि खाने में पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए शामिल करने चाहिए। विटामिन ए से रोग प्रतिरक्षा तंत्र भी बेहतर होता है। स्वास्थ्य संयोजक संदीप नेताम ने कहा है कि फॉलिक एसिड की पर्याप्त मात्रा न लेने से खून की कमी से एनीमिया हो सकता है। फॉलिक एसिड सेहत के लिए बहुत ही आवश्यक है। ये विटामिन B12 के साथ मिलकर लाल रक्त कोशिकाओं को बनाने का काम करता है। BETOIS नाग ने कहा कि शिशु संरक्षण माह कार्यक्रम सफल करने बच्चों को विटामिन ए आयरन सिरप पिलाए जाने हैं। स्वास्थ्य संयोजक ANM एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं मितानिनों की सहयोग से प्रत्येक मंगलवार तथा शुक्रवार को आयोजित होने वाले टीकाकरण दिवस के आयोजन के अलावा टीकाकरण से छूटे हुए तथा नियमित टीकाकरण के लक्षित बच्चों को प्रतिरक्षा के लिए BCG पेंटावेलेंट OPV मिजल्स रूबेला तथा DPT आदि के टीके भी लगाए जाएंगे। समय न्यूज के लिए पखांजुर से विप्लव कुंडू की रिपोर्ट।